Hey, namaskar everyone. Kaise hain aap log? I wish and I hope you are doing perfectly fine. Just be joyful and keep smiling. Just be joyful, theek hai? Okay, so welcome back. So, hum log jo physics mein padhte the light, usi series ko continue karenge, theek hai? तो यहाँ पे एक स्टोरी लाइन बना. अच्छा, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम मतलब स्टोरी लाइन मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किस कहानी पे हम लोग चल रहे हैं अभी? देखिए, हम लोगों ने लाइट के बारे में उसका बेसिक्स प्रॉपर्टीज एलिमेंट्री डिस्कशन जो था लाइट के ऊपर वो कर लिया, समझ गए, ठीक है. एंड देन वी हैव टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हम लोग समझ गए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है समझ गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सब कर चुके हैं लोग. पर जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्शन होने के लिए मुझे मिरर्स चाहिए होता है, क्योंकि मिरर्स ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है. मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टेड होगा वो मैक्सिमम होता है फॉर द केस ऑफ मिरर्स. इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर्स. पर जब मिरर है वो दो प्रकार का हो सकता है. पहला है प्लेन मिरर, जिसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं. एंड देन वी कैन आल्सो हैव, बस मिरर्स सिर्फ प्लेन नहीं होता है जो हम लोग अपने डेली खुद को देखते हैं उसमें चूल ठीक करते हैं ना, तो मिरर्स सिर्फ एक प्लेन नहीं हो सकता है, वो कर्व्ड भी हो सकता है. कर्व्ड मिरर्स को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स. तो हम लोगों ने यहाँ पर इस स्टोरी लाइन में जो चल रहा है हम लोग कहानी अब तक, हम लोग ने लाइट पढ़ लिया, ठीक है. लाइट पढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन में है हम लोग, और ये रिफ्लेक्शन में हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं. ओ, प्लेन मिरर तो हो गया है, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है. इसीलिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर. ये फर्स्ट एपिसोड, और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सिंपली इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल टर्म्स, कि अगर मुझे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है पहले मुझे स्फेरिकल मिरर्स का ए बी सी डी तो आना चाहिए ना, सॉरी ई एफ, ये सब आना चाहिए ना. ए बी सी डी ई एफ क्या है, ये सब हम लोग आना चाहिए. तो आज हम लोग सिर्फ ये टेक्निकल टर्म्स पर फोकस करेंगे. ओके, ये समझ में आया, देख लीजिए आप लोग इसको. तो फिर चलो अब हम इसको मिटा के हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं आज का. अच्छा जी, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ाई स्फेरिकल मिरर्स से. अच्छा, हम लोग को पढ़ना है एस पी एच ई आर आई सी ए एल मिरर्स, हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं आज ही समझ के कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है. स्फेरिकल मिरर क्या है? अ मिरर हूज reflecting surface is actually a part of a hollow part of a hollow sphere. S P H E R E, part of a sphere ही बोलो, not necessary hollow, ये optional है. Part of a sphere, a mirror whose reflection is part of a sphere, is called a spherical mirror. अभी के लिए आप लिखो, हम समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है. देखो, हम actually क्या लिखे, हम बोल रहे हैं कि एक mirror जिसका reflecting surface, एक mirror का हम लोग plain mirror में सीखे हैं ना. ये अगर एक ग्लास प्लेट है तो अगर हम मुझे मिरर बनाना है तो मुझे एक साइड को पॉलिश करना पड़ेगा, पॉलिश करना प्यूएल, या फिर सिल्वरिंग करना. तो ये जिस साइड पॉलिश होगा या फिर सिल्वरिंग होगा उसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस. एंड जो दूसरा साइड है यहां पे लाइट इंसिडेंट हो सकता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये सब हम लोग सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो आई बॉल लिंक यहाँ पर आ जाएगा, आप जाके वहां पर प्लेलिस्ट आ जाएगा पूरा, और वहां पर जाके आप जो चाहे देख सकते हो, ठीक है. ओके, तो ये मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं हर एक मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है, एक पॉलिश सर्फेस होता है. वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एक्चुअली एक स्फीयर का
हिस्सा है, पार्ट है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, समझते हैं हम लोग कैसे काम करता है। देखिए नोटिस कीजिए आप कि मान लो आपके पास एक स्फीयर है, क्या है ये एक स्फीयर है, कहाँ लिखा ये भी लिखा, ये एक स्फीयर है। ठीक है, अब ये स्फीयर हम लोग नॉर्मली अज्यूम करेंगे हॉलो स्फीयर है, पर कोई बात नहीं है, चलो हॉलो स्फीयर अज्यूम करते हैं, हॉलो स्फीयर अज्यूम करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्फीयर है। ठीक है, ओके, अब ये स्फीयर को हम लोग चाहे तो काट सकते हैं ऐसे यहां से, मतलब कि ये एक स्फीयर था, एक चाकू से काट दे खच, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको हम जहां पे काटे ए बोल रहे हैं, इसको जहां पे काटे बी बोल रहे हैं, मतलब ये टॉप पॉइंट ए हो गया, ये तो बी लिख दिया भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, ए हो गया और ये बॉटम पॉइंट बी हो गया। ये क्या एक्चुअली है, ये एक चीज, एक स्फीयर था, ध्यान सुनिएगा, हमने ये स्फीयर में से एक साइड काट दिया ऐसे, तो मुझे ये पोर्शन मिलेगा, ये एक्चुअली में ये क्या है, इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर ना, ये ए बी जो बना है आर्क, इसको आर्क बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है, ये तो एक पार्ट ऑफ अ स्फीयर है, क्या है, पार्ट ऑफ अ स्फीयर है। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ना, इसका दो स्पेस है, ये जो ऐसा एक पार्ट है, इसका दो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ये ऐसा एक सरफेस था, हमने खचक काट दिया, ये बन गया, ऐसा सरफेस बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसका दो, ये जो सरफेस है ना, जो पार्ट है, इसका दो सरफेस है, एक अंदर वाला पार्ट, एक बाहर वाला पार्ट। बाहर वाला पार्ट कैसा है, एज इफ ऊंट के ऊपर जो हम्प होता है उसका, वो है, इसको बोलते हैं बल्जिंग साइड, इस सरफेस को बोलते हैं बल्जिंग साइड, बी यू एल जी आई एन जी, बल्जिंग साइड या फिर बल्जिंग एंड, बल्जिंग एंड। ठीक है, और ये जो सरफेस है ऐसा अंदर वाला, कैसा, एज इफ ये गुफा की तरह है, गुफा केव, इसलिए उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं केव एंड, सी ए वी केव एंड। ठीक है, बल्जिंग होगा ना, स्पेलिंग गलती लिख दिया, बल्जिंग एंड। ठीक है, और ये बल्जिंग एंड का चाहे तो सिंपल वर्ड से यही बोलते हैं, आउटर सरफेस, ओ यू टी आर, आउटर सरफेस, या फिर इसको बोलते हैं इनर सरफेस, इनर सरफेस, इनर सरफेस। क्यों, क्योंकि अगर ये स्फीयर का पार्ट देखा जाए तो ये सरफेस इनसाइड द स्फीयर है, स्फीयर के अंदर है, और ये सरफेस आउटसाइड द सरफेस है, इसलिए आउटसाइड सरफेस, इनर सरफेस। और ये समझ में आया ना कि ऐसा है, इसको बोलते हैं बल्जिंग साइड और इसको बोलते हैं इनर साइड। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, समझ में आया, मतलब कि यहां पर हमने ये देखिए, मान लीजिए एक स्फीयर है, आलू नहीं है, स्फीयर है, अरे भैया आलू है, अरे स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर था। ठीक है, अब ये स्फीयर को मान लो हम साइड से खचक काट दिए, ऐसे खचक काट दिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसे काटने से ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये देखो, ध्यान से देखो, ये चीज ऐसा है, कर्व्ड मिला ऐसा, ध्यान देखो, कर्व्ड है, ऐसा कर्व्ड है ना, इसको बोलते हैं बल्जिंग सरफेस, और ये जो अंदर वाला सरफेस है इसको बोलते हैं केव एंड। एक्चुअली में ये ऐसा है, पर ये अगर ये हॉलो होता, हॉलो हॉलो हॉलो, जैसा बॉल होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, तो ये पोर्शन नहीं होता अंदर, तो देखिए ये बल्जिंग सरफेस है, और इसको बोलते हैं अंदर वाला केव एंड, या फिर आउटर सरफेस, या फिर इनर सरफेस। ठीक है, आउटर सरफेस, या फिर बल्जिंग एंड, इनर सरफेस, या फिर केव एंड। ठीक है, ओके, ये हम लोग समझ में आया हम लोग को इतना। ठीक है, ओके, अब इन दोनों में से क्या कर सकते हैं ना हम लोग, मेरे पास दो सरफेस है, मेरे पास दो सरफेस है, अब दो सरफेस में से हम कोई भी सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं। ध्यान से देखो, आप यहां से एक ऐसे बनाते हैं, इधर जाएगा एक, यहां पर एक, और यहां पर एक। देखिए आपके पास दो सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है, ठीक है, ये ए, ये बी, ठीक है, ये बल्जिंग एंड है, ये केव एंड है। अगर हम
पॉलिश करते हैं इस पार्ट को सच दैट हम आउटर सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं. हम क्या किए, आउटर सरफेस को पॉलिश किया है. आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, आउटर बल्जिंग BULGING बल्जिंग साइड इज पॉलिश्ड POLISHED बल्जिंग साइड इज पॉलिश्ड. इसका मतलब जो केव साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, दैट इज जो केव साइड है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है, अगर हम इस पार्ट को पॉलिश कर दें सच दैट हम बल्जिंग साइड को पॉलिश कर रहे हैं, बल्जिंग साइड इज पॉलिश्ड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बल्जिंग साइड पॉलिश्ड है मतलब कि जो केव साइड है या फिर इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला काम करेगा. इसका मतलब जो ऐसा एक मिरर स्फेरिकल मिरर बना, ये जो एक तरह का स्फेरिकल मिरर बना इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर. ठीक है, वेयर एज मेरे पास एक और ऑप्शन था कि अगर हम क्या बोले, मान लो मेरे पास क्या है, ऐसा कर दे रहे हम, ऐसे बना दिया, बस उल्टा कर दिया उसको, ए बी हमने बस उसको ऐसा उल्टा कर दिया. ठीक है, अच्छा अगर हम आउटर सरफेस को पॉलिश नहीं करके, देखिए यहां क्या कर रहे हैं, हमने इसको ऐसे रखा है, इसको ऐसे रखा है, यहाँ पर ये आउटर सरफेस है और ये इनवर्ड सरफेस है, केव एंड है. अरे यार नहीं समझ में आया, ये साइड केव एंड है, सी ए वी ई केव एंड, और ये साला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला, अरे भैया ये ए बी बाहर वाला, इसको बोलते हैं बल्जिंग साइड, बल्जिंग एंड, बी यू एल जी आई एन जी, बल्जिंग एंड. अगर हम क्या करें, बल्जिंग एंड को पॉलिश नहीं करके अगर इनर सरफेस को मतलब जो केव एंड है उसको पॉलिश कर दें, हम अगर हम केव एंड को पॉलिश कर दिए हैं, इसका मतलब दिस इज पॉलिश्ड, POLISHED पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश बोलो या फिर सिल्वरिंग सरफेस बोलो, उस केस में द बल्जिंग एंड विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कौन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्यों, क्योंकि हम लोग पॉलिश सरफेस को केव एंड को पॉलिश कर दिए हैं. और इस टाइप का जो मिरर बनता है उसको बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर. समझ में आया कि नहीं आया आपको, देखिए स्फीयर से उसका एक पार्ट निकालें, दो साइड मिलेगा, बल्जिंग साइड केव एंड. अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि हम किस सरफेस को बल्जिंग साइड या फिर केव साइड को पॉलिश करते हैं, मुझे दो तरह का मिरर मिल सकता है. अगर हम पॉलिश सरफेस को अगर हम बल्जिंग साइड को पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव साइड से होगा, ऐसा को बोलते हैं कॉनकेव. अगर हम इनर सरफेस या फिर केव एंड उसको पॉलिश करते हैं तो बल्जिंग साइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, उसको बोलते हैं कॉनवेक्स सरफेस. इतना समझ में आया कि नहीं आया, चलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं क्लिक करके. अ मिरर सो ऑब्टेन बाय अ मिरर सो ऑब्टेन बाय POLISHING पॉल सो ऑब्टेन बाय पॉलिशिंग द पहले उपहार ऊपर पहले ऊपर पॉलिशिंग द बल्जिंग एंड BULGING बल्जिंग एंड ब्रैकेट में आउटर सरफेस, आउटर ब्रैकेट में आउटर सरफेस सच दैट द केव एंड या फिर इनर सरफेस, इनर सरफेस एक्ट्स ACTS एक्ट्स एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्या बोल रहे हैं, देखिए अब समझ में आया ना क्या क्या बोला जा रहा है, कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है सच दैट आपने उसका इसको पॉलिश किया, ये रिफ्लेक्शन सरफेस, इसको बोलते कॉनकेव, ठीक है, सिंपल सा अ मिरर सो ऑब्टेन्ड बाय पॉलिशिंग द बल्जिंग एंड आउटर सरफेस सच दैट कॉनकेव एंड इनर सरफेस एक्ट्स एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। अब यही पे अगर मुझे चेंज करना हो तो क्या बोलेंगे, अ मिरर सो ऑब्टेन्ड बाय पॉलिशिंग द By polishing, इसके जगह आप चेंज कर दो इस वर्ड को सच दैट, और इस वर्ड को अगर आप इंटरचेंज कर दो बस इसको यहां लिख दो तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में क्या बोल रहे हैं हम, अ स्फेरिकल मिरर सो ऑब्टेंड बाय पॉलिशिंग द केव एंड इनर सरफेस सच दैट द बल्जिंग एंड और आउटर सरफेस act as the reflecting surface is called convex mirror। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको इतना, ठीक है, क्लियर है, ओके, इसको आप कॉपी कर लो अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट इसका ये डेफिनेशन समझ में आया ना आपको, हमने लिखा नहीं है फिर से, पर आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो कॉन्वेक्स के लिए, बस इसको और इसको इंटरचेंज करके वो आप खुद से लिख सकते हो, खुद से आप लिख लेना फिर, ठीक है, ओके चलो आप इसको कॉपी कर लो, हम इसको मिटाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं, नेक्स्ट फेज में क्या पढ़ना है हम लोग को नेक्स्ट फेज में पढ़ना है TECHINICAL टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए एक से पहला आपसे शुरू करते हैं हम लोग, पहला पार्ट ए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं CENTRE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, VATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं अल्फाबेट सी से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसका मतलब क्या है तो साथ साथ लिखते पहले समझते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the center of that sphere of which the SPHERICAL spherical mirror is a part of। clear है, समझ में आया कुछ नहीं, समझ में आया मुझे भी, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है, बस समझा रफली समझा रहे हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर है, मान लो हमने आउटर सरफेस को पॉलिश किया एक बार के लिए बस, ठीक है, ओके, ये जो सरफेस है, ये जो स्फेरिकल मिरर है किस टाइप का मिरर है, ये आउटर सरफेस, इनर सरफेस, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव। अब ये जो मिरर है ये एक्चुअली में तो एक स्फीयर का हिस्सा रहा होगा ना, जहां से इसको काटा गया है, नहीं समझ में आ, ये स्फेरिकल मिरर हम लोग पहले ही बोल चुके हैं ना, एक्चुअली में ये जो मिरर है वो एक स्फीयर का हिस्सा रहा होगा जहां से इसको काट के निकाला गया है, ठीक है, तो ये जो वो जो स्फीयर रहा होगा उसका कोई सेंटर होगा ना, अरे भैया एक स्फीयर है उसका सेंटर तो होगा ही ना, हाँ, और ये सेंटर को बोला जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, वो उस बड़ा सा स्फीयर का सेंटर है जिसका ये स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा रहा है, या फिर कोई हिस्सा मतलब पार्ट मतलब हिस्सा रहा है, ठीक है, एंड सिमिलरली सेंटर से मिरर तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये सारा डिस्टेंस सेम होता है ना, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है ना, उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये जो स्फीयर रहा है उसका एक रेडियस है आर,
और इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा हूं, नंबर टू है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इसको डिनोट करता है कैपिटल आर से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ऑफ दैट एस पी एच ई आर स्फीयर, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, इज अ पार्ट। क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है भैया ये स्फेरिकल मिरर कोई बड़ा स्फीयर का हिस्सा है, वो स्फीयर का एक सेंटर होगा, उसको बोलते सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही, समझ गया। एंड सिमिलरली वो जो एक बड़ा सा स्फीयर है उसका एक कोई रेडियस भी तो होगा, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्लियर है, समझ में आया, इतना मगज में आया कुछ? चलो बहुत बढ़िया। अब नंबर सी पे मूव करते हैं। क्या बोला जा रहा है, ये हो गया रेडियस। अब आते हैं पोल पे, पी ओ एल ई, पोल को हम लोग लेटर कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब है पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, एस पी एच ई आर आई सी स्फेरिकल मिरर इज द जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिक वर्ड ठीक रहेगा, जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द सरफेस, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर, स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। समझ में आया कुछ, क्या बोल रहे हैं? सिंपली ये बोल रहे हैं ये स्फेरिकल मिरर, और सॉरी पोल क्या है, ये मान लीजिए आपने एक स्फेरिकल मिरर बना लिया ए बी, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब कि इस मतलब कि मान लीजिए अगर ये लाइन ऐसा होता ए बी, इन दोनों कोई मिड पॉइंट होता, ये वाला मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट तो होता जो इसका मिड पॉइंट होता, उसको हम पी बोल रहे हैं। अब क्या किया गया है, इसी को ऐसे बना दिया गया है, ये ऐसे था पहले ए बी ये पी, ठीक है, और इसी को ऐसे कर दिया गया है, ऐसे था फिर ऐसे कर दिया गया है, ऐसे था फिर ऐसे कर दिया गया है, ठीक है, और इस पोल को, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। पोल मतलब क्या है, पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द ज्योमेट्रिक सेंटर, इज द ज्योमेट्रिक सेंटर मिड पॉइंट, बीच वाला, जितना ऊपर है उतना नीचे है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसको बोलते हैं पोल, मतलब कि जितना ऊपर उतना नीचे। अगर आपको ऐसे समझना है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है इसका मिड पॉइंट होगा पी, अब इसी को स्ट्रेच कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्लियर है ना, पोल मतलब क्या होता है, पोल क्या है, सिर्फ वो स्फेरिकल सरफेस का ज्योमेट्रिक सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर बीच वाला पॉइंट। सही है। फाइनली एबीसी, अब आते हैं डी पर, और डी क्या है, डी है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस इसको क्या है, इसको कुछ बोलना चाहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द straight line PASSING passing through the pole P and center of curvature
ऑफ द मिरर, मतलब कर्वेचर सी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये एक स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए ना स्फेरिकल मिरर है, ये कैसा है, आर्क इस तरफ है, आर्क इस तरफ है, तो इसका सेंटर किस तरफ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, खुद ही सोचो ना, ये आर्क है, इसका स्फीयर कैसे बनेगा, इधर बनेगा, अगर स्फीयर इधर बनेगा, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहां पे होगा, इधर नहीं होगा, ठीक है, और ये इसका एंड है, ये इसका पोल है, ये सेंटर है, अगर इस सेंटर को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ये जो लाइन बना ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, ये पोल है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है, चलो। एंड फाइनली फाइनली आगे हम लोग अपार्चर, ए पी ई आर टी यू आर, अपार्चर को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी से, और अपार्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, एम आई डबल आर ओ आर मिरर, इज द पार्ट ऑफ द मिरर, पार्ट ऑफ द मिरर एक्सपोज टू इंसिडेंट, एक्सपोज टू द एक्सपोज पार्ट ऑफ द मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, अगर ये मान लीजिए मेरा स्फेरिकल मिरर है, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है ऐसा, ठीक है, ऐसा, मतलब कि यहां पे रेज ऑफ लाइट ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है, ऐसे, यहां से अगर हम देखें, ऐसे देखें तो आप देख रहे हो ये स्फेरिकल मिरर का, मान लो एक कॉन्केव सर्फेस है, एक कॉन्केव फ्लैट सर्फेस मत अज्यूम करना इसका, हम टमाटर इसको छील नहीं सकते थे, थोड़ा टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है, तो आप इसको कॉन्केव सर्फेस अज्यूम करो, लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये जो इतना जो सर्फेस है ना, ये जो सर्फेस एक्सपोज टू लाइट है, इसको बोलते हैं अपार्चर, ठीक है, ये ऐसे है, ये स्फीयर है, ये एक्चुअली ऐसा ही स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, ये स्फीयर का खुद का अपना सेंटर होगा, खुद का रेडियस होगा, उसको बोलते हैं, ये जो स्फीयर का रेडियस है और सेंटर, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखो ये जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर को भूल जाओ, अभी जो ज्योमेट्रिक सेंटर है यहां पर कहीं होगा ना, यहां पर कहीं इधर, इसको बोलते हैं पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पर होगा, अब इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और फाइनली अपार्चर, अपार्चर मतलब मिरर का वो हिस्सा जहां पे लाइट आके गिरता है, मिरर का कितना हिस्सा पोर्शन पे लाइट आके गिरता है, उसको बोलते हैं अपार्चर ए बी, ठीक है। और हम लोग अज्यूम करते हैं, प्लीज याद रखिएगा, एंड वी विल अज्यूम दैट द अपार्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि मेरा मिरर का अपार्चर स्मॉल है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पांचों टर्म्स है ए बी सी डी, और दो टर्म आएगा, ये पांचों टर्म्स है ए बी सी डी, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप लोग पॉज कर लो फिर हम इसको समझाते अच्छे से, सॉरी आप लोग इसको नोट कर लो, हम पॉज करके समझाते हैं आपको, अच्छा चलिए, हम लोगों ने पांच जो टर्म समझा ए बी सी डी ई, अब उसको हम लोग अच्छे से विजुअली समझते हैं, विजुअली क्या मतलब बनता है उसका, ठीक है, और समझते हैं, ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर रहा, क्या है, एक स्फेरिकल मिरर वा है, क्या है, मिरर वा है, स्फेरिकल मिरर वा, ठीक है। अब इस स्फेरिकल मिरर को मान लीजिए हमने यहां से काट दिया, ये हुआ ए बी हिस्सा, और यहां से भी काट दिया एक, मान लीजिए ए बी हिस्सा बना था ऐसा, ठीक है, और इसका कुछ ऑब्वियसली सेंटर रहा होगा सी,
एंड ऑब्वियसली सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस पकड़ लीजिए, ये डिस्टेंस पकड़ लीजिए, ये डिस्टेंस सारे आर होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आर आर, आर। ठीक है, अच्छा बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए इस पार्ट को अगर हम यहां लेके आते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है ए बी, मतलब ए बी वाला हिस्सा में ही इंसिडेंट लाइट आके गिर सकता है, तो ए बी को बोलते हैं अपार्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो हम लोग लास्ट में समझे थे, ठीक है। ओ सॉरी, पॉलिश तो किए नहीं, पॉलिश कर लेते हैं हम यहां पर इसका आउटर सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं। हमने आउटर सरफेस को पॉलिश कर लिया और इनर सरफेस मेरा एक्ट करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस, और कैसा हो गया ये, एज इफ लाइट एक गुफा में जा रहा है, लाइट एक गुफा में जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। अब ये कॉनकेव मिरर जो है क्या होगा, एक स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, उसका एक सेंटर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, अरे भैया फिर से वही बताया, ये स्फीयर तो एक सेंटर का, ये जो स्फीयर है वो एक सेंटर का, ये जो एक स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फीयर का हिस्सा रहा होगा। अब ये अगर स्फीयर का हिस्सा है उसका एक सेंटर रहा होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर स्मॉल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, समझ में आया। एंड सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से कम, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इसको बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है, ये स्फीयर का एक रेडियस होगा, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सही है। अब आते हैं पोल पर, पोल क्या है, ये जो अपार्चर उसका एक ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, इसको बोलते हैं हम लोग पोल, ये जो एक मिरर है उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसको बोलते हैं पोल। अब ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है, समझ में आया। तो यह है कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम चाहे तो अगर इस पोर्शन को यहां पर लेके आते हैं ऐसे, ठीक है, और यहां पर हम इनर सरफेस को पॉलिश कर दें, अगर हम इनर सरफेस को पॉलिश कर दे रहे हैं सच दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आउटर सरफेस होगा, मतलब जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। अब अगर ये कॉनवेक्स मिरर है तो ए बी इज द पोर्शन ऑफ द मिरर एक्सपोज टू इंसिडेंट रेडिएशन, यहां से लाइट आता है, ए बी इज द पोर्शन ऑफ द मिरर एक्सपोज टू इंसिडेंट रेडिएशन, इसको बोलते हैं अपार्चर, ए बी को बोलते हैं अपार्चर, ठीक है, ओके। अब ये जो स्फीयर स्फेरिकल मिरर है एक्चुअली में एक स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरह लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द पॉलिश सरफेस लाई करेगा, मतलब यहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइनली सिमिलरली अगर सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस ज्वाइन कर दें इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आता है पोल, ये जो ए बी है मेरा अपार्चर, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उसको बोलते हैं पोल, अगर एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ठीक है। यहां क्या किया हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बना के सारा टेक्निकल टर्म्स हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। ये हो गया पहला, क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट प्लीज नोट कीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका पॉलिश्ड सरफेस की तरफ लाई करता है, वेयर एज कॉनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द पॉलिश सरफेस, वेयर एज कॉनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है, सिंपल से याद रखना ना।
सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई जाएगा? आप बस इमेजिन कर लो एक स्फीयर है, यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ लाई करेगा ना, सीधा बात है, ठीक है। और बाकी सारे टर्म्स समझ गए हम लोग, ठीक है। मतलब ये स्फेरिकल मिरर से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। देखिए आप पॉज करके डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सीपी डिस्टेंस है, सीपी ये भी तो आर होगा, सॉरी पीसी लिखते हैं, पीसी ये भी तो आर होगा, ये डिस्टेंस भी तो आर होगा, ये डिस्टेंस भी तो आर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सर्कमफेरेंस तक का ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी तो आर होगा, ये डिस्टेंस अगर आर है, ये डिस्टेंस भी तो आर होगा। सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी तो आर होगा। मतलब प्लीज याद रखिएगा, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आए करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ओके तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है हम लोग के लिए हाउ डज रिफ्लेक्शन, हाउ डज रिफ्लेक्शन अकर, ओ डबल सी ओ डबल सी यू आर अकर फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखो भैया प्लेन मिरर का आपको पता है, मतलब कि अगर ये प्लेन मिरर है मेरे पास, तो हम ध्यान बनाएंगे, तो बनाएंगे ध्यान रखने के लिए, अगर ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और नीचे वाला को हम पॉलिश सरफेस बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, सिंपल सा बात है। एंड ये अगर एक इंसिडेंट रे आया तो मुझे मिल गया ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, इसका मतलब कि इन अदर वर्ड्स रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन कैसे करता है फ्रॉम प्लेन मिरर, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये इंसिडेंट रे है, ओ पकड़ लो, ये ए हो गया, ये ओ है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है एन एन डैश। अब ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि रिफ्लेक्टेड रे वही होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा, such that I must be equals to R, ठीक है। And obviously the incident ray AO, reflected ray OB and the normal NON dash, these three lie in the same plane, lie in same plane, ये है laws of reflection। And एक plane mirror से reflection कैसे होता है ये हम लोग को पता है कि incident ray आएगा, point of incidence पे normal बनाओ और फिर काम करता हूं, सही है, इतना समझ लो। पर क्वेश्चन ये है कि हाउ डज रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है भैया, ये तो प्लेन मिरर से हुआ, ये तो प्लेन मिरर से हुआ, पर स्फेरिकल मिरर से कैसे होगा ये तो बताओ। तो चलिए इस बात को हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए पहला केस करते हैं, हम एक ही केस करते हैं, हम लोग एक करते हैं, क्या बोले हम स्फेरिकल मिरर, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, कैसा है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और यहां पर भी अज्यूम कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो एक क्वेश्चन आपका दिमाग में आ सकता है कि हम तो कॉन्वेक्स मिरर को तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे बना के ऐसे रखेंगे हम, मतलब कि हमने इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टुवर्ड्स द लेफ्ट रखा है और इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टुवर्ड्स द राइट रखा है, ठीक है। पर जो हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो हम बाद में बताएंगे, उसमें ये होता है कि हम लोग को रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ना, हम लोग का जो भी मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द लेफ्ट फेसिंग रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द लेफ्ट फेसिंग रखना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है। अब सिमिलरली ये हो गया आपका ए बी अपर्चर, ये हो जाएगा
पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे लाई करेगा और ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इसका भी ये हो गया अपार्चर, ये हो जाएगा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इस तरफ कहीं लाई करेगा, ये सी, इन दोनों अगर हम ज्वाइन कर दें तो मिल जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए कहानी क्या है, सेंटर कर्वेचर आ गया इसका, यार सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा प्लीज। आपके पास ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, और यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ ऐसे, ये एक रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हुआ एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ पर, अब मुझे क्या करना है, मुझे नया रिफ्लेक्टेड रे बनाना है। वही तो क्वेश्चन है, अगर मेरा इंसिडेंट रे आया और आके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंटर हुआ तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, मुझे ये बनाना है। ठीक है, पर अगर प्लेन मिरर होता तो हम यहाँ पे नॉर्मल बनाने जैसे, पर प्लेन मिरर तो है नहीं तो कैसे करें हम। अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी मान लीजिए कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जहां से एक इंसिडेंट रे आया और यहाँ पर आके हिट किया, इंसिडेंट रे आया और यहाँ पर हिट किया और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ हो गया और मुझे रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, तो कैसे बनाए रिफ्लेक्टेड रे, ये क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल, नॉर्मल वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन बनाओगे वो होगा नॉर्मल। क्या बोल रहे हैं आप, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरफ अगर एक लाइन बनाते हो इसको बोलते हैं नॉर्मल, एन एन डैश। तो फिर जैसे नॉर्मल का नॉर्मल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक लाइन बनाओगे वो स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। देखो फॉर स्फेरिकल मिरर नॉर्मल इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द लाइंस, बाय जॉइनिंग अ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे हमने नॉर्मल बनाते एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लीजिए सेम ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के अदर साइड में फिर से आप एक रे बना लो ऐसा कुछ, सच दैट ये आपका आर है, सच दैट आई इज इक्वल टू आर, ये इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड है, अब चाहे वो प्लेन मिरर से हो या फिर स्फेरिकल मिरर से हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर नोटिस करो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है पर मुझे नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन पास कर देते हैं और ये बन जाता है नॉर्मल, एन एन डैश। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल क्या होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया आप क्या करो, आप ऑब्वियसली इंसिडेंट रे नॉर्मल के एक साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ऑपोजिट साइड होगा, यहां पे कहीं ऐसा कहीं बनेगा सच दैट ये एंगल आर होगा और यहां भी आई इज इक्वल टू आर सेटिस्फाई होगा। क्लियर है, समझ में आया, तो हम यहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं ये चीज, फर्स्ट ड्रॉ अ नॉर्मल, नॉर्मल बाय जॉइनिंग अ स्ट्रेट लाइन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, to the point of incidence from the center of curvature, from the center of curvature, मतलब कि सबसे पहले तो भैया आप normal बनाओ, और normal कैसे बनाओगे, normal आप center of curvature और point of incidence को join कर दो, बस हो गया, ये हो गया इसका center बन गया। देखो secondly then finally then secondly draw
द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल बाकी अदर साइड ऑफ द नॉर्मल इंक्लाइंड एट द सेम एंगल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में क्या बोला है? सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक नॉर्मल बनाओ, फिर उसके बाद नॉर्मल के ऑपोजिट साइड में एक रिफ्लेक्टेड रे बना दो, मेकिंग सेम एंगल विद द नॉर्मल एज द इंसिडेंस रे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बस यही है. तो इस तरह से आप स्फेरिकल मिरर्स के लिए रिफ्लेक्शन काम करता है. दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन वर्क्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स. प्लेन मिरर के लिए बहुत सिंपल है, पर स्फेरिकल मिरर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर उतना ज्यादा भी नहीं है. बस आपको ये याद रखना है कि क्या सेंटर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक नॉर्मल बनाओ, फिर तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता सही काम करेगा. ठीक है, ये बना लिया आप लोग. अब हम एक चीज दिखाना चाहते हैं आपको, फिर से दिखाते हैं. यहां से हम एक चीज और दिखा सकते हैं आपको, प्लीज ध्यान दीजिएगा. अगर मान लो ये एक दूसरा इंसिडेंट रे है ऐसे गया, और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है O2, तो आप इस पर नॉर्मल बनाओगे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. और एंगल रिफ्लेक्टर किस तरफ होगा? रिफ्लेक्टर इस तरफ हो गए, रिफ्लेक्टर इस तरफ हो गए. ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, एंड यहाँ पे नोटिस करो ना, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं कैसे, तो यहाँ भी एक नॉर्थ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेरा O2 हो जाएगा. अगर इस दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो नॉर्मल बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा और ये आर इधर बनेगा. ठीक है, तो एक पॉइंट ऑब्जर्व करने का बात ये है कि इस केस में ये रिफ्लेक्टेड रे था और इस केस में ये रिफ्लेक्टेड रे था. ठीक है, और इस केस में ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और इस केस में ये एक रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, दिखाई दे रहा है सर? हाँ दिखाई दे रहा है. अभी जो हम ब्लैक से बनाए ना, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाला और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है. ध्यान से नोटिस कीजिए, इस केस में इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक पॉइंट पे मीट करता है. सिमिलरली यहां भी इंसिडेंट रे आया और यहां पर रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है. यहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से दूर जा रहा है और यहां पर रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पास आ रहा है. तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि कॉनकेव मिरर इज एक्ट एज अ कन्वर्जिंग मिरर. इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज अ कन्वर्जिंग मिरर. वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर एक्ट एज अ डाइवर्जिंग मिरर. ये बात हम लोग कैसे समझे? ऐसे समझे कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से दूर जा रहा है यहां पर यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पास आ रहा है, एक मीट कर रहा है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर है. क्यों? क्योंकि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करता है, यहां पर रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कन्वर्जिंग मिरर. और नहीं बोलेंगे हम इस बारे में कुछ. चलो आप तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं. आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एक क्वेश्चन है, छोटा सा नन्ना सा प्यारा क्वेश्चन है. क्या बोला है? बोला है व्हाट विल हैपन टू द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर एक इंसिडेंट रे पास कर रहा है सच दैट वो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, तो उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये पूछा है. अगर एक इंसिडेंट रे मिरर पे आके गिर रहा है सच दैट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो क्या होगा? चलिए बस देखते हैं उसका सॉल्यूशन. ठीक है, फॉर कॉनकेव दिखा दे. फॉर कॉनकेव क्या होता है? फॉर कॉनकेव मिरर. और कॉनकेव मिरर मतलब कैसा? कुछ ऐसा. ये हो गया पॉलिश सरफेस, ये हो गया इसका अपर्चर ए बी, ये हो गया इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं लाई करेगा, और ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है,
क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हो रहा है सच दैट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है. ये इंसिडेंट लाइट है सच दैट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया. ठीक है, ये मान लीजिए ए ओ एक इंसिडेंट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है. ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे एक रे ऑफ, अब मुझे अगर रिफ्लेक्टेड रे चाहिए तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या होगा? नॉर्मल बनाने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करना पड़ेगा. अगर हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, क्या हो गया? अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या देखा जा रहा है कि नॉर्मल एन डैश एन सी ओ डैश क्या हो रहा है एक्चुअली में? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया. नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया. देखो हेयर व्हाट वी सी हेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जीरो, बट फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल एंगल ऑफ जीरो. रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे भी वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा. तो फिर क्या होगा? हम बोल सकते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर सच दैट इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिट्रेस द पाथ बैकवर्ड. रिट्रेस द पाथ बैकवर्ड PACKWARD. ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है स्फेरिकल मिरर पे सच दैट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो अपना पाथ वापस से रिट्रेस कर लेगा. इसका आंसर ये है. ठीक है, ये तो कॉनकेव, ये तो हम कॉनकेव के लिए बनाए हैं. आप चाहो तो सिमिलरली कॉनवेक्स के लिए बना सकते हो. फॉर कॉनवेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा राइट में होना चाहिए. ये हो गया, हमने पॉलिश कर दिया अंदर सरफेस को. ये हो गया इसका अपर्चर ए बी. ये ज्योमेट्रिक सेंटर इसका हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं लाई करेगा, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब अगर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे सच दैट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, अगर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है सच दैट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो क्या होगा? अगर ये इंसिडेंट राइट है तो वापस से अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, ऐसे ही जैसे आया था वैसे वापस आया. क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ पर एक नॉर्मल बनाते हैं तो क्या होगा? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे फिर से वही कहानी, जीरो 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 जीरो. बस आपको ये पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, और एक और चीज, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अच्छा अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है, अगर एक रे ऑफ लाइट, अच्छा बाद में क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, आप लोग आंसर लिख लो. ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्या बोला है? बोला क्या है? व्हाट विल हैपन टू द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर एक रे ऑफ लाइट आके स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है पर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर, तो क्या होगा? मतलब अरे एक लाइन का आंसर है, आपको बस कंसेप्ट पता होगा. तो ये स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए ए बी, हम इधर से आउटर सर्फेस को पॉलिश कर दिया तो ये बन जाएगा मेरा कॉनकेव मिरर. ठीक है, ये इसका अपर्चर है, ये इसका पोल अज्यूम कर लीजिए, इसका सेंटर कर्वेचर कहीं इधर लाई करेगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सेस. प्रिंसिपल एक्सेस सही है, सही है. अब हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग ये बोल रहे हैं कि रे ऑफ लाइट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस आ रहा है. अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस मतलब क्या हुआ? यही रे ऑफ लाइट है, यही रे ऑफ लाइट है. एंड ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है. और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? विल रिट्रेस इट्स पाथ बैकवर्ड. एंड सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसके लिए बना लो,
कॉन्वेक्स के लिए भी बना के देख लो, सेम चीज है कॉन्वेक्स के लिए भी। ये हो गया इसका अपर्चर, ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ लाई करेगा सी, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस एंड रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट सच दैट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है मतलब कि ये ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, मतलब ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, इसका मतलब वापस से रिट्रेस कर लेगा, क्योंकि हम लोग जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे मिल गया हम लोग आंसर। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल रिट्रेस द पाथ बैकवर्ड, रिट्रेस द पाथ बैकवर्ड। क्यों? बिकॉज बिकॉज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज सेम एज अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए समझ में आ कि नहीं आपको, ठीक है? तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमने आज क्या सीखा? आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा, पता नहीं क्या सीखा, पर हमने सिंपली आज इंट्रोडक्शन दिया टू टेक्निकल टर्म्स, ठीक है? और दो टेक्निकल टर्म्स बाकी हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर अप कर लेंगे, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वेब सीरीज में मिलते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।